हम लोग को ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा एक अनुष्ठान देखने को मिला है जो सदियों से लोगों को इंतजार था। हम लोग सब लोग जानते हैं फुटबॉल ट्रेडिशनली ट्राइबल लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग खेले हैं, और सिर्फ ट्राइबल लोग ये नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, पूरा भारत में पूरा दुनिया में फुटबॉल सदियों से खेला जाता है। लेकिन दुख के बाद ये है, बोडोलैंड से हम लोग का नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, सिर्फ फुटबॉल में नहीं है, एथलेटिक्स में भी हमारा काफ़ी प्लेयर्स हमारे बोडोलैंड से गए हैं जो असम को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल लेवल पे भी काफ़ी एथलेटिक्स इवेंट्स में हमारे बोडोलैंड से गए हुए हैं। मैं उन सबको स्वागत करता हूँ, लेकिन उसके साथ ही आज दुख की बात है कि बोडोलैंड में हम लोग एक अच्छा स्टेडियम हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ये हमको हम लोग को एक मौका दिया है, ये हम लोग को प्रेरित किया है कि आने वाले समय में बोडोलैंड में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। मैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाले समय में बोडोलैंड को और नॉर्थ ईस्ट को गाइड करें। फुटबॉल जो है आज ISPL में 8 सिक्स शेड्यूल काउंसिल, 3 मिजोरम से, 3 जो है हम लोग का काउंसिल है हम लोग का असम में, 3 काउंसिल है मेघालय में, लेकिन मेघालय से एक ही काउंसिल गारो काउंसिल ने हिस्सा लिया है। त्रिपुरा ऑटोनोमस काउंसिल से एक हम लोग का इस फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया है, बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है। हम लोग का प्लेयरों के जो प्रदर्शन है, इनका एनर्जी है, हमने जो देखा है ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलने का उनमें ताकत है। हम चाहेंगे आने वाले समय में नेशनल फुटबॉल फेडरेशन और स्टेट फुटबॉल फेडरेशन हम लोग को सहयोग करेंगे। आज समय बहुत कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। पूर्वोत्तर में शांति आया है, अभी एकता लाना है, और एकता लाने के लिए हमारे जो भी समस्या है इसको सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कदम उठाए हैं। मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, भारत के गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जो आपके टाइम में खेलो इंडिया और भी अच्छे अच्छे खेल जगत में जो प्रोग्राम लिया है, जो इनिशिएटिव लिया है, जो स्कीम लिया है, इससे पूरा भारत में खेल की जगत में आज काफ़ी रेनाइसेंस और रिवोल्यूशन आए हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ये ISPL को आयोजन करने में हमारे सार स्टेडियम में सार कमिटी ने हम लोग को सपोर्ट किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली कोकराझार में आज इतना ऑडियंस पब्लिक सब लोग आके हम लोग को इतना सहयोग किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली फॉर द यूथ्स, हम लोग को अभी जागना है देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए हम लोग को काम करना है। एक समय था हम लोग अपने लोगों के लिए हथियार उठाया था, लेकिन वो हथियार से जो खून खराबा हुआ, जो नुकसान हुआ, जो भी हुआ, वो सारे जो परिस्थिति है, वो सारे जो समस्या है, इसमें बदलाव लाने के लिए अभी हमारे हाथ में हमारे सामने पूरा समय पड़ा हुआ है। वो समय का अच्छा इस्तेमाल करके हम लोग स्पोर्ट्स में, कल्चर में, एजुकेशन में, सब में हम लोग को काम करना है। राइजो राजा नोंथांमोन, आं बयनि सिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे दिनै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। बड'लेण्डआव गोजोन आरो शान्ति फैनायनि उनाव बड'लेण्डखौ मुलुगनि दरबाराव गायसननो थाखाय बड'फाया होलांनाय जि खामानि बेखौ मावफुंनो थाखाय बड'लेण्ड सरकारनि बानजायनायाव जों ISPL खुंदों। बे ISPL-आ जागायनायल' बेयो जोबथा नङा, बिनि उनाव बे ISPL-नि गेजेरजोंनो जोङो नेशनल इन्टारनेशनेल गेलेनो हानाय जोंनि प्लेयार ओंखारनांगोन। दिनै जों बयबो सिबियो जोंनि फुटबल सम्राट बिनद ब्रह्मखौ। दिनै हलिचरण नार्जारिया पूरा मुलुगाव मिथिजानाय सासे फुटबल प्लेयार जाबाय। आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय आरोबाव रोजा रोजा फुटबल प्लेयार ओंखारगोन, आरो जोंनि माहारिनि मुंखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दा बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बयखौबो पजिटिव खामानियाव, दाजाबथायारि खामानियाव आवगायबोनो थाखाय आं खावलायबाय, आरो बयखौबो गोबारै खेबसे आखाइ हमनानै जोंनि मोननैबो प्लेयारखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों, आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोब्बाय। नमस्कार, जय हिंद। चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर
माननीय श्री प्रमोद बोरो जी, जिस तरह से आज बोरोलैंड में मुझे फुटबॉल के उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं आने वाले दिनों में, भविष्य में भारत के जो राष्ट्रीय टीम बननी है उसमें से बोरोलैंड की भूमिका बहुत बहुत रहेगी। इस मंच पर आज के पावन अवसर पर असम फुटबॉल के अध्यक्ष और आदरणीय विधायक जी श्री नव कुमार डोले, असम सरकार की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री यू जी ब्रह्मा जी, काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोरोलैंड, एस्टीम मेंबर्स ऑफ सिक्स शेड्यूल काउंसिल, मीडिया के सभी बंधु भाई और बहनों, और आज इस फुटबॉल मैच के आनंद लेने आए हैं ऐसा सभी भाई और बहनों को मेरे प्यार प्रणाम और नमस्कार। अभी मैच शुरू होने वाला है और मैच कमिश्नर जी मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि एक स्टेडियम में भीड़ को संभालने के लिए जो सुविधाएं, अनुशासन और प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर एक स्टेडियम नहीं होने के कारण उस भीड़ को हम नियंत्रित करने में कठिनाइयां होगी, तो क्या करें। मैंने कहा आप फुटबॉल को शुरू करें, इतने लोग जो आए हैं मुझे पूरा विश्वास है ये भीड़ सुनियंत्रित रहेगी और फुटबॉल के आनंद उठाने आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। बोरोलैंड के भाई और बहनों पर जिस तरह से आज मैदान में आपने आकर के खेलने वाले खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाएंगे, उस तरह आपका भी ये मेहनत बना रहेगा। किस तरह से बोरोलैंड से दुर्गा बोरो, होरीचरण नर्सरी जैसे और बहुत 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 खिलाड़ी इस जमीन से जाए, मैं यहाँ निवेदन करूंगा प्रमोद जी से कि आप जिस तरह से आपके नेतृत्व में आपके कोऑर्डिनेशन में इस टूर्नामेंट मुझे देखने को मिल रहा है, मैं आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं। आप जानते हैं सन 1941 से 1941 से भारत में नेशनल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी हुआ करता है, जो भारत के 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी के टीम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इस टूर्नामेंट के संतोष ट्रॉफी 2023 फरवरी में सेमीफाइनल और फाइनल सऊदी अरब के रियाद और जेद्दा में होगा, जो पहली बार भारत के लिए गौरव के विषय है। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूंगा इसके जो ग्रुप लीग के मैच है वो ग्रुप लीग भारत के 6 प्रदेश में हम करेंगे, उसमें से एक प्रदेश और एक ग्रुप क्यों ना आपके यहाँ बोरोलैंड में हो, ये मेरा प्रस्ताव है। और मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि आगे चल के सर्व भारतीय फुटबॉल संघ के तरफ से, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तरफ से, जहां तक कि आपको टेक्निकल गाइडेंस की आवश्यकता होगी, जहां तक कि आपको एक्सपोजर की आवश्यकता होगी, जहां तक कि अच्छे रेफरी, अच्छे कोचेस, अच्छे एकेडमी, अच्छे फुटबॉल कोचिंग सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन को पूर्ण सहायता देगा। इस बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और बोलता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जी के नेतृत्व में जिस तरह से असम और भारत में खेल की प्रसार हो रहा है, जिस तरह से फुटबॉल देश और प्रदेश आगे जा रहा है, बोरोलैंड भी उस भूमिका निभाएगी। नमस्कार, जय हिंद। Thank you so much to Honorable President of All India Football Federation, Mr. Kalyan Chovit. It is absolute honor and we are delighted to have you here with us. Thank you so much.